यूपी में पेपर लीक के आरोपों के बाद योगी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। वजह है इस मुद्दे का जोर शोर से उठना। युवा इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर उठा रहे हैं तो विपक्षी नेता सरकार के खिलाफ जुबानी हमला बोल रहे हैं। यही वजह रहा कि पेपर लीक के दावों को गलत ठहराने वाले बोर्ड की बातों को दरकिनार कर योगी सरकार को जांच के लिए आंतरिक कमेटी का गठन करना पड़ा। राहुल गांधी भी लगातार अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में युवाओं और छात्रों से मिलकर इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। वो जहां भी जा रहे हैं युवाओं और छात्रों से भी बातचीत कर उनकी समस्याओं से अवगत हो रहे हैं। बीएचयू हो या असम, हर जगह राहुल गांधी ने छात्रों के साथ संवाद किया। प्रयागराज में तो उन्होंने पेपर लीक मामले पर केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार पर खूब बरसे। लेकिन सवाल है कि यूपी पेपर लीक का मामला राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा कैसे बन गया? राहुल गांधी का छात्रों और युवाओं से लगातार संवाद क्या कोई रणनीतिक हिस्सा है? नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को करीब से समझने वाले जानकारों का मानना है कि ये यात्रा मुख्य तौर पर युवाओं को केंद्र में रखकर ही तैयार की गई है। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि असम की हिमंत बिस्व शर्मा सरकार ने जब यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ पहले से फिक्स संवाद कार्यक्रम में जाने के लिए राहुल गांधी को अनुमति नहीं दी तो उन्होंने यूनिवर्सिटी से बाहर आकर छात्रों के साथ संवाद किया। इसी तरह बीएचयू के छात्रों से मिले और प्रयागराज में तो छात्रों का एक हुजूम उनके साथ जुड़ गया था जिसमें वो छात्रों को बब्बर शेर कहते नजर आए। थोड़ा घबरा रहे हैं। घबराना नहीं है तुझे, तू बब्बर शेर है। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है तुझे। राजनीति के जानकारों का मानना है कि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में एंटर की थी तो उस वक्त उनका मुख्य मुद्दा ओबीसी एससी एसटी आरक्षण और सरकारी नौकरियों में उनकी कम भागीदारी का था। लेकिन जब 17-18 फरवरी को यूपी कांस्टेबल पेपर लीक का मामला सामने आया तो राहुल गांधी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लपक लिया और प्रयागराज में युवाओं के बीच सरकार को खूब घेरा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पेपर लीक का मुद्दा राहुल गांधी द्वारा ही जोर शोर से उठाया गया जिसकी वजह से सीएम योगी को बैकफुट पर आना पड़ा और जांच के आदेश देने पड़े। नहीं तो इससे पहले तो बोर्ड ने इसे सिर्फ अफवाह बताया था। राहुल गांधी यूपी के बाद एमपी में भी जाएंगे जहां वो पटवारी पेपर लीक का मुद्दा उठाएंगे, जहां सरकार की गठित कमेटी ने इसे क्लीन चिट दे दी है कि पेपर लीक हुआ ही नहीं। वहां भी वो युवाओं और छात्रों से मुलाकात कर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। पॉलिटिकल पंडितों का मानना है कि यूपी में राहुल गांधी कांग्रेस की खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और उसे पाने में युवाओं की बड़ी भूमिका होगी। फिलहाल युवाओं का एक बड़ा वर्ग समाजवादी पार्टी बीजेपी और बीएसपी में बटा हुआ है। राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाकर युवाओं को एकजुट करना चाहते हैं और आश्वस्त करना चाहते हैं कि उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाने में वो मुख्य भूमिका निभाएंगे। केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार के खिलाफ जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी का है। इसी को भुनाने के लिए राहुल गांधी युवाओं को एकजुट करने में लगे हैं। ऐसे में यूपी पेपर लीक का मामला उनके लिए सोने पर सुहागे की तरह काम कर गया है, क्योंकि कांग्रेस एक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है जिसमें पुराने नेता साइडलाइन हो रहे हैं और नए को मौका दिया जा रहा है। कन्हैया कुमार से लेकर श्रीनिवास बीबी और तेलंगाना के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कांग्रेस के इसी प्लान के तहत आगे बढ़ाए गए हैं। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस की युवा रणनीति कितनी कामयाब होती है और राहुल गांधी इसमें कितना फिट बैठते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि यूपी में पेपर लीक का मुद्दा उठाकर राहुल गांधी ने सरकार को बैकफुट पर और युवाओं को फ्रंट फुट पर लाकर जरूर खड़ा कर दिया है। यूपी की राजनीति से जुड़ी ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।